शदीद वाले से मतलब ये है कि बचपन से अभी तक कोई सेट नहीं हुई। मैं रात को डबल, वैसे सिंगल, हाथ में हाथ पकड़ के, ठीक है, फेस टू फेस और डिनर टेबल पे बैठ के फिर मनाते हैं। हर दिल में अरमां होते तो हैं, बस कोई समझे जरा। आजकल के जानू मानू तो यमन ग्रीटा करने में मसरूफ है, फिर आते हैं मेरे जैसे शदीद सिंगल लोग। खैर छोड़ें, चैनल सब कुछ के साथ मैं हूं अकीदत, और आज मैं लोगों से यही सवाल करूंगी कि मेरे जैसे शदीद सिंगल लोग वैलेंटाइंस डे कैसे मनाते हैं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या आप सिंगल हैं? नहीं, मैरिड हूं, आई हैव टू गर्ल्स। मैरिड हैं? अच्छा, आप ये बताएं कि आप इमेजिन करें 5 to 10 years बैक, जब आप मैरिड नहीं हैं, तो अपना वैलेंटाइंस डे कैसे मनाएंगी? मैं वैलेंटाइंस डे कैसे मनाऊंगी? 5 to 6 years बैक मैं इंगेज थी, और 8 years बैक जाऊं तो मैं स्टडी कर रही थी, तो वैलेंटाइन का टाइम नहीं था मेरे पास। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी सिंगल है शदीद वाली? सिंगल है जी। खास नहीं वैसे, क्योंकि मैं आई होप कि मैं तकरीबन कोई पिछले 10-12 साल से तो वैसे फील्ड में हूँ जॉब की, तो कोई खास वैसे इतना टाइम मिला नहीं। अभी मेरी एज कोई 32 years है, तो 6-7 साल पहले भी मैं एक्सपीरियंस में था कि मैं जॉब करता था, तो कुछ खास ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशली कोई वैलेंटाइन बनाता था। बहुत शदीद वाला, शदीद वाले से मतलब ये है कि बचपन से अभी तक कोई सेट नहीं हुई। सेट ही नहीं हुई? सेट ही नहीं हुई। ऐसे कैसे हो? ऐसा हो सकता है? मैं आपके सामने, मतलब आपने कोशिश की है? कोशिश की है लेकिन हो नहीं पाया, क्या करें। यस आई एम सिंगल। आर यू सिंगल और शदीद वाला सिंगल? बिकॉज़ आई एम 30 सो आई एम शदीद वाला सिंगल। जी जी सिंगल हूं। सिंगल है या बस शदीद वाले सिंगल है? नहीं सिंगल हूं, वो वाला सिंगल नहीं हूं, शदीद वाला। मैं बहुत शदीद वाला हूं। क्यों? वैसे ही लाइफ है। लाइफ है? यस। मैं रात को डबल, वैसे सिंगल। रात को डबल, वैसे सिंगल? हाँ। इससे क्या मतलब है? इससे मैं शादीशुदा हूँ। मतलब आप दिन में ऐसे एक्ट करते हैं जैसे आप सिंगल हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसे वो पास ही नहीं आने देती बीवी। जी मैं सिंगल हूँ। शदीद वाले सिंगल या बस सिंगल? सिंगल। बस सिंगल। सिंगल सिंगल सिंगल। अच्छा आप मुझे बताएं कि मैरिड लोग फिर वैलेंटाइंस डे कैसे मनाते हैं? जब बच्चे सो जाते हैं। मैरिज है अगर तो आप मींस कि अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो फिर तो ये है कि वाइफ हस्बैंड चले जाएं कहीं अच्छे से कोई डिनर कर लें या कुछ ऐसा बाहर आउटिंग कर लें। सबसे बेहतर मेरे ख्याल में तो यही है, मैं यानी कि मेरी ये थिंकिंग है, बाकी हर बंदे की अपनी अपनी होती है। मैरिड लोग वैलेंटाइन डे नहीं मनाते, वो सिर्फ अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाते मेरे ख्याल से शादीशुदा लोग जो है वो बहुत बोरिंग किस्म का वैलेंटाइंस डे मनाते होंगे एज कम्पेयर टू जो कि कुंवारे होते हैं, ठीक है, बिकॉज एक ही बंदी और पिछले 10 साल से उसे ही देखना, और माइट बी दे कैन डू समथिंग गुड थिंग्स अगर वो कुछ अच्छा करें, बट मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है, वो बहुत बोरिंग और घर में ही उनका दिन गुजरता होगा। मैरिड लोग घर बैठे उनका क्या काम है? वो मतलब घर बैठ के जो सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ बाहर आने का क्या फ़ायदा उनका? कोई फ़ायदा नहीं, बस पूल मूल दे के चॉकलेट वगैरह खिला के ही मनाते हैं। तो चॉकलेट होनी चाहिए। हाँ हाँ, वो मैरिड लोगों से पूछ सकती हैं आप। आपको नहीं पता? नहीं, कभी मामा पापा ने एक दूसरे को गिफ्ट नहीं दिया? पता नहीं। बाहर डिनर पे चले जाते हैं, इससे ज़्यादा क्या? बस डिनर पे। हाँ और कुछ नहीं? नो उनका तो घरों में ही हो जाता है, जो वैसे जो कपल होता है वो मनाते हैं ना, फिर बाकी जो मैरिड होते हैं वो भी विश करते हैं, गिफ्ट वगैरह देते हैं, लेकिन वो तो घरों में मनाते हैं, लेकिन बाहर भी आते हैं तो आपको पता ही आगे फिर कैसे मनाते हैं। मुझे कैसे पता? मैरिड की लाइफ अलहदा होती है, कपल की लाइफ अलहदा होती है, सिंगल की अलहदा होती है। मैरिड लोग तो ज़्यादातर हाथ में हाथ पकड़ के, ठीक है, फेस टू फेस और डिनर टेबल पे बैठ के फिर मनाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो शदीद सिंगल वाले लोग होते हैं वो अपने वैलेंटाइंस डे कैसे मनाते हैं? घर में सो के। घर में सो के? हाँ जी, बस ऐसे ही घूम फिर के पार्क वगैरह में आके दूसरों को देख के बस ऐसे मना लेते हैं, और उन्होंने कैसे बनाना है अपना। सिंगल लोग कैसे मनाते हैं? मेरा ख्याल है कि टिकटॉक यूज करके आजकल तो टिकटॉक एक्जेक्टली। शदीद सिंगल लोग दूसरों को देख के खुश होते हैं, जैसे मैं भी हो रहा हूँ, इसीलिए आप पार्क में आए हैं? हाँ इसलिए मैं पार्क में आया हूँ, बस दोस्तों के साथ घूम फिर के यही मनाते हैं। अच्छा बस बस माहौल देख के बस। सिंगल लोग साथ कोई ब्यूटीफुल सा लड़का ले लेते हैं, वही कैसे भी। ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो घर की छतों पे मनाते हैं और ज़्यादातर जो हैं वो कमरों में मनाते हैं। घर की छतों पे क्या पतंगे उड़ाते हैं?
कुछ लोग ज़्यादा पतंगे लाइक करते हैं ना, पतंगे उड़ा के उड़ा के वैलेंटाइन डे मनाते हैं। या अल्लाह, हम भी तेरे बंदे हैं, हमारा भी कुछ कर दे, अगले वैलेंटाइन डे तक कोई अच्छा सा लड़का भेज दे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अब मैं जा रही हूँ और अपना वैलेंटाइन डे देखने। अल्लाह हाफिज़।